हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि पता है हर माँ का मेरे ख्याल से यही होता है कि बेटियाँ आती बाद में हैं, पहले है ना, मतलब संदूक पेटी बेड उनके खुलने शुरू हो जाते हैं। तो आज जो है ना, मेरी मम्मी ने भी वही काम शुरू कर दिया कि पिंकी आज से है ना भाई, तो अपना करना स्टार्ट कर दे काम धाम जो भी है, तो आगे की जो तैयारियाँ हैं छुछक की वो भी तू कर ले। क्योंकि ये है कि मम्मी भी अकेली पड़ जाती है, आपको पता है। शॉपिंग तो फिर भी मम्मी ने मतलब ऑलमोस्ट कर ही ली है, जो भी होनी चाहिए थी ज़्यादातर मतलब सारी हो गई हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि क्या पता अचानक से बोल दें कि भैया अभी ले आओ, तो ज़्यादातर शॉपिंग सारी ही हो चुकी है। बस बच्चे का जो टॉयज़ वगैरह रहते हैं वही सब चीज़ें रहती हैं, बाकी सब कुछ आ चुका था। तो उनको पैकिंग करना, सामान को सही तरीके से सेट करना अलग अलग सारी चीज़ों में, वो सारे काम जो है ना आज करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको भी दिखाऊंगी। मंगल 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 उसने तो भगा दिया करते हैं, पर उसे ना खिलाया करते अपने क्या, ओ खिला करते हां। निशु देख, कैतन ने देखा, निशु तेरी सारी नजर है ना, तीनों ना। मैं सुबह जिस तक कहूँ थी तो मेरे से यूं बोला, जोड़ के भूल जाओ, अब उस बात को भूल जाओ। आजा कल्लू चाय बनाऊं तेरे लिए। ओ देख बना तो सही, जब भी तो आऊंगा पीने, बुला ले। देखी मैं देखी हूँ इसने, घर पे ही रहूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। अभी टाइम हो चुका था शाम का, और जिस दिन हम आए हैं ना उसी दिन से ही ये वीडियो स्टार्ट हो चुका था, शाम के टाइम से ही, दोपहर में जब मम्मी छुटकों को लेके पीछे बैठी थी तब से। और निश्चय का जो है ना काफ़ी मन था कि मम्मा पिज़्ज़ा मंगा लो, पिज़्ज़ा मंगा लो। तो यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, मुझे ये पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें चीज़ की जगह ना मेयोनीज़ डाल रखी थी, जितना भी ये वाइट वाइट आप देख रहे हो ना इसमें मेयोनीज़ थी, चीज़ का तो टेस्ट ही नहीं था इसमें। राम राम दादी, राम राम है, क्या कह रहा राम राम बेटा, राम राम आ चिटके की बेरा कौन बुढ़िया बन रहा है? आए राम राम, अरे कौन बन गया रे, और कौन ऐसी बुढ़िया कौन है वहाँ? वैसे तो पता है वहाँ पे भी मैं बहुत देर तक जो है ना जागती हूँ रात को, क्योंकि इनका इंतज़ार मैं करती हूँ, चाहे 10 बजे आए या 11 बजे आए, उसके बीच में ऐसा नहीं होता कि मैंने एक लटका ले लिया। लेकिन यहाँ पे रात के टाइम ना थोड़ी सी मस्ती चल रही थी निश्चय की, तो बस हम वही इंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं आज इसने कहाँ से सीखा, क्योंकि हमारे वहाँ ना ससुराल में ये होता है मेरे में कि कोई आता जाता नहीं है घर पे, और यहाँ पे सब लेडीज़ एक दूसरे के मतलब पास आती जाती हैं, तो कोई कैसी आती है कोई कैसी। तो एक बुढ़िया आई थी कोई पड़ोस की, तो वो इस तरीके से शोल ओढ़ के ऐसे बोल रही थी, जिजी एरी एरी। तो आज निश्चय ने वही सीख लिया और पूरे ड्रामे कर करके दिखा रहा है हमें। और ये देखो, और बच्चों के ना अलग ही मज़े होते हैं ना नाना नानी के घर पे, चाहे अपने घर उन्हें सब कुछ सारी चीज़ें मिलती हों, सारा सब कुछ हो, प्यार भी मिलता है सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। आपको पता ही चल गया होगा कि जोर से बोलो, कहाँ पे आए हुए हैं, हमें दिखा दो पीछे। हेलो, गुड मॉर्निंग, देखो ये देखो कितना छोटा बनाया आज निश्चय, रोज तो अलग रजाई में सोता है, आपको पता है ना निश्चय की बेड पे अलग रजाई रखी है, और आज जिद करने लग गया कि नहीं मम्मा मैं तो आपके ही पास सोऊंगा, नहीं मम्मा मैं तो आपके ही पास सोऊंगा। फिर ये सो चुका ना जब नींद नींदों में, क्योंकि नींदों में इसको ज़्यादा होश नहीं रहता, नींद नींदों में ना उठाया इसको ज़बरदस्ती, हिला हिला के और कुछ कुछ बोल बोल के फिर इसको भगाया, बेटा आपने मेरे पेट पे लात मार दी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, निश्चय जल्दी खड़े हो जाओ, ये हो जाओ। फिर इसको है ना नानी के पास भेजा, और नानी बार 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 बुलाने लग रही, आ जा बेटा आ जा बेटा, और निश्चय कह रहा नहीं मैं तो मम्मा के पास ही सोऊंगा। और ये मतलब बेड वाला वो नहीं है, बेड अगर होता है ना सीधा तो चलो उस पर एडजस्ट हो भी जाओ, सिंगल पे भी हो जाओ दो बच्चों के साथ, लेकिन ये वो है जो पलंग होते थे है ना पहले, जो छोटे छोटे पैर के पलंग होते थे, और ये थोड़ा सा ढीला हो रखा है, तो अब मैं ही इसमें बीच में आ रही हूँ बार बार, तो इसको लेके तो कहाँ सोऊँ मैं, है ना। अब ये बताओ, इस देखो
इसको सुलाऊं अपने पास, ये देखो गुड मॉर्निंग कर रहा सुबह सुबह आपसे, या फिर इसको सुलाऊं अपने पास। गुड मॉर्निंग निश्चय ने भी कर दी। और वहां पे वो देखो कौन छो रहा है, ये देखो अपनी कराटरी नानी, कराटरी नानी। इसने ना दोनों नानियों का नाम निकाल रखा है, एक मेरी मौसी और एक मेरी मम्मी का, दोनों नानियों के नाम निकाल रखे हैं। और नींद, पहले पहले दिन ना नींद थोड़ी ऐसी ही आती है, चाहे कहीं भी चले जाओ, नींद आज थोड़ी कम वाली आई है। और वहाँ तो आपको पता है, मैं बताती भी हूँ आपको, 8 बजे करीब उठती हूँ, और यहाँ तो मेरी आँख भी अभी खुल गई है, 6:26 हुए थे उसी टाइम पे मेरी आँख खुल गई, और फिर नींद भी नहीं आई। मैंने निश्चय को यही बोला, निश्चय बेटा लाइट ऑन कर दो, और निश्चय जो है थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आके लेट गया था, नहीं मम्मा मैं अब आँख खुल गई तो आपके पास, मम्मी का सिर हो रहा है उठते ही, यूँ कह रहा है मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो मम्मा के पास सोया था, है ना। आपको मम्मा के पास सोना ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ। क्यों बताओ? ये मेरा रूम है, ये आपका रूम है? अच्छा, इस साइड सोना अच्छा लगता है, छोटे रूम में, ठीक है, इस साइड। कल आपका बेड डाल देंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको सुलाऊंगा। आप तो रूम की बात कर रहे हो ना, अब मम्मा कहाँ से बीच में आ गई? दासा ना कैसे छोड़िया, छोटी सी तो गुड़िया है, ये भी मेरी छोटी सी बेटी है, इसको छोड़ के आऊंगी, इसको इसको छोड़ आऊं। अभी इसको बहकाने के लिए इसको कुछ भी बोल दो भाई, इसको पता नहीं है, थोड़ी देर पे ये भी मेरे सिर हो जाया करेगा, मारेगा पीछे से पकड़ के, मैं नहीं रहूंगा मैं नहीं रहूंगा मैं नहीं रहूंगा। एक साइड से ये बोलेगा, इतने निश्चय समझदार हो जाएगा, और 1-2 साल बड़ा हो जाएगा जब तक ये बोलना सीखेगा। पता है मैं आपको बता रही थी ना कि मम्मी जो है छूचक मेरा दिखा चुकी हैं, तो वही छूचक में मम्मी कह रही थी कि आस पड़ोस की जिनके साथ भाई मम्मी जिनके रख के आती है वो फिर मम्मी के देखे गए, ऐसा होता है ना कि भाई लड़की की शादी हो या लड़की का छूचक जाना हो, तब जब दिखाते हैं घाट पे लगा के, तो फिर आपस में सूट वगैरह रख के ही जाते हैं, तो बस वही सारे सूट मम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये सूट आए हैं, तो इनमें से बस मुझे 1-2 ही सूट जो है ना मतलब पसंद थे। वैसे जो दे गया वो सब सर माथे पे होता है भाई, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मतलब मैं मम्मी को ये कह रही थी कि मम्मी नहीं मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, 1-2 ही इनमें से हैं पसंद, तो मम्मी बस वही सारी चीज़ें, देखो ये तो होता ही होता है, और माँ बेटी में क्या बातें होती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी लड़कियों का यही होता होगा, सबसे पहले जाते ही जैसे ही अगला दिन हुआ और उसी दिन फिर घुस जाते हैं अलमारी में, मम्मी क्या लिया आपने नया ये दिखाओ, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम कुछ नया लेके आए हैं वो दिखाओ वो शेयर करो, अच्छा भी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपस में सबको दिखाना। मैम आपको है ना कुछ सूट दिखा देती हूँ, जो कि आपको पता ही है घर आने के बाद फिर ये होता ही है कि मम्मी आए ने देर ना होती, पहले बैड संदूक खुल जाए, तो मैं देख रही हूँ मम्मी सारे दिखा रही है, अभी देख लेता ना कौन कौन सा पसंद है कौन सा लेके जाओगी। तो एक तो ये है, अभी ये तो नहीं बताऊंगी मैं आपको इनमें से क्या और कौन सा लेके जाऊंगी, तो ये लेके जाऊंगी, शिक्षक देना है इसका। ये देखो एक तो ये है लाइट पिंक पेस्टल पिंक कलर का सूट है, निशु त्रिश ने बेटा वैसे गोदी ले, और दुपट्टा इसका प्लेन है, पूरे सूट में ये है, ठीक है, ये देखो। जब मैं आपको सूट दिखा रही थी ना तो त्रिश ने काफ़ी शोर कर दिया था, तो मुझे लगा चलो वीडियो अभी पॉज करते हैं, पहले उसे संभालते हैं, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको सूट दिखाती जा रही हूँ, जो जो मतलब मेरी मामी वगैरह लगती हैं पड़ोस में से, वो सब देखे गए हैं, और आप देखते रहना, आपको कौन सा अच्छा लगा वो भी मुझे बताना, ठीक है। एक मामी जो है पिछला पिंक देके गई थी, और मम्मी है ना पता है मजाक में बोल रही थी ये वाली बात कि नाना इब हम कुछ ना दे, हमने छुच्छक देना है आगे, और मैं मम्मी को कह रही है मम्मी आपने तो मेरी बेइज्जती मार दी। मैं तो सूट दिखाने लग रही थी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, कह रही अच्छा मजाक में भी बता क्या बेइज्जती, सब तेरे जैसे ही हैं, वीडियो देखने वाले सबको पता है कि हाँ भाई आपस में इतना तो मजाक कर ही सकते हैं, यूँ कुछ ना होता। मैं कहा ठीक है चलो फिर आपकी आवाज़ डाल ही देती हूँ ये, है ना, जैसे मम्मी मैंने पीछे आपसे पूछा बताया कि देखो कौन सा सूट लेके जाऊँगी कौन सा नहीं, तो मम्मी तुरंत बोली नाना इब हम कुछ ना देवें।
वैसे तो आपको पता ही है कि मैं जब भी जाती हूँ तो क्या कुछ कितना कुछ लेकर जाती हूँ कितना नहीं। तो अब की बार भी जो भी शॉपिंग करेंगे जो भी मार्केट से लेके आएंगे वो आपको दिखाऊंगी। ये सूट भी ठीक है। और निश्चय को देख रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा निश्चय ना, जो निश्चय की मम्मी कपड़े लेके आई हुई है ना वो अपने पहन के ही देखने लग गया, क्योंकि बच्चों का तो शौक अलग ही होता है। और मैं एक ये वाला जो बैग है ना इसमें मम्मी कह रही थी कि पैंट शर्ट लगा दे सारे के सारे, फिर मैंने सोचा कि नहीं ये बड़ा है ये वाला थैला, तो इसमें जैसे छुटकू का सारा सामान आ जाएगा, मीन्स त्रिश का सारा सामान आ जाएगा। मम्मी पैंट शर्ट तो किसी पतले वाली पन्नी में भी आ जाएंगे, दो पन्नी बना देंगे पैंट शर्ट की। तो इसी तरीके से बस मतलब खरीद के मम्मी सब कुछ ले आई है, बस मेरे से सेट करवा रही है कि यहाँ तेरे अपने हाथ से सेट करे होंगे तो तुझे उस दिन प्रोग्राम में मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तू फटाफट फटाफट सामान खोल खोल के जिसको भी देना लेना होगा तुझे सबका दे लेगी। और किसी ने मुझसे ये पूछा था, श्वेता शुक्ला नाम से है उनकी आईडी, कि आपने जब छुटक का सामान दिखाया तो आपके घर से आपके जेठ जेठानी ननंद नंदोई इनका कुछ भी नहीं आया, सिर्फ आपने सास सास की मंगाई। तो अभी छुटक आया ही कहाँ है, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी छुटक आएगा भगवान ने सब कुछ राजी खुशी रखा तो 28 मार्च को, जिस दिन की निश्चय का बर्थडे है, क्योंकि अभी जो है ना होली के बंधे हुए दिन है, बंधे हुए दिनों में कुछ नहीं होता। और ये बात मैं हर वीडियो में पता नहीं कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ कितनी बार, लेकिन जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते ही नहीं है तो उन्हें अंदर की बात फिर पता ही नहीं चलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किप कर करके देख ले हैं तो फिर उन्हें नहीं पता चलती कि मैंने क्या क्या बता चुकी हूँ क्या, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ वैसे तो ज़्यादातर। तो यहाँ पे देखो मम्मी है ना पेन भी ले आई, और मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मी मेरे को याद रहेगा उसमें भी क्या है पन्नी खोल के देख लूँगी, कह रही ना तू ऊपर लिख दे कहीं गलती से मैं ना मतलब पन्नी वन्नी इधर उधर कर दूँ फिर पढ़ लूँगी मैं कि हाँ ये लिखा हुआ है तो इस पे लिख दे अगलों के पैंट शर्ट। तो बस वही मम्मी का जो कहना है वो मान मान के कर रही हूँ भाई उनके सारे काम। अभी ना मम्मी का पानी गर्म हो गया था तो मम्मी चली गई है नहाने धोने का काम निपटाने, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना जब तक जो है ना अपनी जो साड़ियाँ वगैरह मम्मी ने दे दी हैं उनको डिब्बे में लगा के और पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा फेस देख के थोड़ा आपको गुस्से वाला लग रहा होगा, तो मैं निश्चय को यहाँ पर डांट रही हूँ क्योंकि उसने शैतानी ऐसी कर दी। हालांकि मतलब त्रिश को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई उसे चोट नहीं आई कुछ भी, लेकिन जिस पेड़ पे वो खड़ा मतलब लेटा होता है ना तो वो उस पर जंप कर रहा था, तो मैं इसी बात पे उसे डांट रही हूँ उसे गुस्सा कर रही हूँ कि बेटा हो सकता है कि आप भैया के ऊपर गिर भी जाओ तब सोचो कि आपकी कितनी पिटाई होगी, और पिटाई करने से फिर कोई फ़ायदा भी नहीं, भैया इतना छोटा है उसके हाथ पैर में कहीं गिर गए ना आप तो उसका हाथ पैर तो टूट ही जाएगा। तो बस इसी बात पे उसे थोड़ी झाड़ लग रही थी और काफ़ी गुस्सा आ गया था मुझे इस वाली बात पे, है ना बच्चा देखो छोटा होता है ना बोल के बता सकता है ना कुछ। और तो बस यहाँ पे निश्चय मेरी रुसा मनाई चल रही है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी अगर आप भैया के साथ कभी ऐसा करोगे तो। तो ये वाली जो साड़ियाँ मैं जचा रही हूँ ना दोनों थैलों में, ये साड़ियाँ ना अगलियों की जो तेल होती है ना वो हैं, तो हमारे में देखो साड़ी ही ज़्यादा चलती है लेने देने में, और साड़ी हमारे में पहनी जाती है फंक्शन वगैरह में तो साड़ी ही दी जाएंगी इसलिए। और मैंने यहाँ पे ये दोनों बैग जो है ना कर दी है रेडी, अब आगे का काम होगा मेरी साड़ियाँ पैक करने का, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि अगलों के पैंट शर्ट भी निमट गए अगलों की साड़ियाँ भी निमट गई, अब एक दिन चक्कर लगा के जिस दिन त्रिश मतलब चुप होगा या सो जाएगा ना उस दिन तो अपनी सूट साड़ियाँ जो भी तुझे चाहिए वो सेट कर दियो सारे, क्योंकि मम्मी ने जो ले के आने थे बाज़ार से वो ले भी आई है, तो ज़्यादातर जो है ना मेरे घर से ही होंगे क्योंकि भाई देखो इतना भी नहीं है कि मम्मी इतनी सारी शॉपिंग कैसे कर ले, तो जो भी आएगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो अपना जब सेट करूंगी तो हो सकता है अगर जब टाइम मिला मुझे तो मैं तब भी दिखा सकती हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और जो पहले सूट दिखाए उनमें से कौन सा ठीक लगा आपको वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कल का जो व्लॉग होगा ना वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी, ठीक है देखना ज़रूर कल तक के लिए बाय बाय।